नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आज मैं ऐसे शख्स से आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, भोजपुरी फिल्म के कॉमेडी किंग मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा, और साथ में भोजपुरी की एक्ट्रेस, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस अंजना सिंह जी हैं। और सबसे पहले मैं अंजना जी से बात करना चाहूँगा। मैडम, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं, यहाँ लखनऊ में आप आई हैं और किस फिल्म की शूटिंग चल रही है? रब हम के मिलादा हमार जान से भोजपुरी फिल्म में उसकी शूटिंग चल रही है। लगभग कितने दिनों से यहाँ पे काम चल रहा है शूट का? आज हमें शायद 10-12 दिन हो चुके हैं। अभी तो जैसे आज से क्लाइमेक्स स्टार्ट हुआ है और अभी काफ़ी दिन और शूट चलेगा हमारा। मैडम, इस फिल्म में किस टाइप के मतलब आपके करेक्टर चल रहे हैं? मेरा करेक्टर जो है इसमें, मेरे करेक्टर का नाम चांद है और जो काफ़ी आजकल के ज़माने के हिसाब से लड़की है और बुलेट चलाती है, अपने स्टाइल में रहती है, अपने माँ बाप की इकलौती चंचल लड़की है, ऐसा किरदार है मेरा। जैसे कि इस टाइम जो जनरेशन चल रहा है, लड़कियाँ बहुत सारे लड़कों को मतलब पीछे छोड़ रही हैं, शायद इस टाइप का कुछ करेक्टर होगा? नहीं, इस टाइप का तो कोई करेक्टर नहीं कि लड़कों को पीछे छोड़ रही हूँ। हाँ, अगर लड़कियाँ ये सब चीज़ें करती हैं तो अच्छी बात है। सब आज मतलब हम लोग आज जो समय चल रहा है उसमें लड़का लड़की सब एक बराबर हैं। तो जिसको सबको सब कुछ तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर सबको बहुत कुछ आता है तो अच्छी बात है। अगर गर्ल्स ड्राइव करती हैं या गाड़ी चलाती हैं या अपने आप जैसे लड़के आज के दौर में, आज की जनरेशन अपने हिसाब से जीना चाहती है या कुछ करना चाहती है, तो आज सेम फ्रीडम लड़कियों के लिए भी है। तो ऐसा ही कुछ किरदार है मेरा इस फिल्म में। जी बिल्कुल, जैसे फ्रीडम लड़कों का होता है, लड़कियों का होना चाहिए, क्योंकि जनरेशन है, लड़कियां हर चीज़ करना चाहती हैं, हर चीज़ में आगे भी हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के ही आगे हैं, दोनों लोगों का एक समूह देखा जाता है। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी फिल्म के कॉमेडी किंग कहे जाने वाले बतासा चाचा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका नाम सर कैसे पड़ा, ये बतासा चाचा का थोड़ा सा मुझे वो बता दें। एक फिल्म आई थी निरहुआ रिक्शा वाला, जिसमें मेरा करेक्टर का नाम था बतासा, तो मुझे बच्चे बतासा चाचा कहने लगे। यहाँ पे इस फिल्म में आपकी किस टाइप का रोल आप कर रहे हैं? इस फिल्म में मैं विलेन हूँ और चांद जो हैं इस फिल्म की जो हीरोइन है अंजना सिंह जी, इनका मैं चाचा हूँ और दुष्ट चाचा हूँ। जो मेरी बात में नीयत ख़राब होती है, मैं इनका सब लूट लेता हूँ, इनकी प्रॉपर्टी हजम करता हूँ, इनके माँ बाप को मार डालता हूँ, और बाद में जो है अंजना जो है बदला लेती हैं, ये और हीरो मिलकर के हमको मारते हैं। अच्छा, मतलब आपके तो बहुत सारे ऐसे करेक्टर आते हैं जिसमें आप ज़बरदस्त विलेन का भी रोल करते हैं। देखने में हम लोग भी देखते हैं कि आप कॉमेडी किंग हैं, लेकिन जो करेक्टर आपका जो विलेन का होता है वो भी बहुत ख़तरनाक होता है। हर तरह का किरदार करना चाहिए हर एक्टर को। सर, एक चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कुछ कलाकार हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, मतलब उनके अंदर कला है और उनको कोई प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है, इस पर आपका मैंने एक देखा था, वीडियो देखा था जो पंचम रंग ऐसा करके है सर, तो थोड़ा सा उस पर चर्चा कर दें ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो कलाकार इस वीडियो को देखेंगे, तो कुछ उनको इससे सीख मिले कि उनको क्या करना चाहिए। मतलब एक्टर हैं, उनको एक्टर बनना है, मुंबई आते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर काफ़ी दिन अपना टाइम वेस्ट करके फिर घर जाते हैं, टाइम उनका वेस्ट होता है, उस पर थोड़ा सा हमें चर्चा कर दें। हाँ, तो रंगमंच के माध्यम से अभिनेताओं को सीखना तो चाहिए ही। हमारा थिएटर ग्रुप है पंचम रंग, अभी हम लोग मुंबई में फिर से शुरू करेंगे, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, तीसरी लहर अगर नहीं आई, भगवान ने सब ठीक ठाक रखा, तो हम लोग फिर से अभी वहाँ करेंगे, तो जिसको सीखना होगा वो मुंबई में आए और स्वागत है उनका वहाँ पर। उसका कुछ कोटेशन बताएंगे किस टाइप से उन लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके पंचम रंग से? वो जाएंगे ना तो उनको अभी हम लोग उसका एड वेड देंगे, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब देंगे। एक 15-20 दिन का सेशन होता है, 20-25 दिन का वर्कशॉप करते हैं, उसकी कुछ फ़ीस भी होती है, तो वो पूरा डिटेल जो है बहुत जल्दी आपके चैनल के माध्यम से भी दे दिया जाएगा फिर से, और फेसबुक पे, सोशल मीडिया वगैरह पे, तो सबको पता चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्राइम टीवी के माध्यम से एक एपिसोड चलने जा रहा है और उस एपिसोड में हर एक सेलिब्रिटी आपके साथ होंगे, और लगभग सर का भी 2 दिन बाद शूट है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी।